नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी नेक की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। यहाँ पर हमने कुर्ती को कट किया हुआ है और ये प्लेन फैब्रिक की कुर्ती ली है और इस तरह से कुछ लेसेस लेंगे। ये गोटा की लेस है और इसकी कंगूरी बहुत ही स्मॉल साइज के इस तरह से, और इसके साथ में हमने दूसरी लेस ली है, ये सीक्वेंस की है। दोनों सेम सिमिलर कलर की ली है हमने और यहाँ पर इन्हें कुर्ती के सेंटर में हम इसे अटैच करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ ऊपर से 14 इंच पर मार्क करना है और सीधी लाइन को ड्रॉ करना है। थोड़ा सा गैप लेते हुए आगे इस तरह से हमने 14 पर मार्क रखा और ये सीधी लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद में सेंटर से हम लगभग 1.25 इंच का गैप लेंगे और वो हमें मार्क करना है और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो 1.25 इंच का गैप रखा है, इस लाइन पे हमारी दूसरी वाली लेस अटैच होगी और इसका जो सेंटर का भाग है फोल्डेड, वहाँ पर हमारी गोटा की ये लेस को अटैच करना है। इस तरह से हम गैप चेक कर सकते हैं, ये लेस यहाँ पर आएगी और सीक्वेंस की इस तरह से। अभी ये जो सेकेंड लाइन हमने ये ड्रॉ की है, यानी 1.25 इंच का गैप, उसके आगे 1 इंच का गैप रखना है और इस तरह मार्क करना है सीधी लाइन। यहाँ पर ये जो हमारी लेस है, यहाँ सेंटर फोल्डेड में यहाँ एक लाइन और हमने ड्रॉ की है। अभी सेंटर की जो लाइन है वो थोड़ी सी ऊपर रखनी है हमारी जो लेस है। आप चाहें तो नीचे का जो हिस्सा है इस तरह से तिरछा या फिर ऐसे दे सकते हैं। सेंटर की जो लेस है वो इतनी ऊपर आएगी और पूरी तीनों लेसेस अलग अलग रहेगी। अभी कुर्ती का ये राइट साइड है और फोल्डेड भाग से ये दूसरी साइड में हमें सीधी लाइंस को दूसरी साइड भी मार्क करना है। ये मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है हमारी 6 लाइंस को और नीचे से ये बॉक्स की तरह इसे ड्रॉ किया है। सेंटर की जो लेस है वो थोड़ी ऊपर रहेगी, मिडिल की लेस है वो थोड़ी उसके नीचे और साइड की सबसे नीचे, इस तरह से बॉक्स रहेंगे। और यहाँ से हम सेंटर की लेस को अटैच करना शुरू करेंगे। नेक लेंथ जितनी है आप उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा ऊपर रखिए तो लेस ज़्यादा ख़राब नहीं रहेगी। इस तरह से मैं कुछ नीचे से इसको अटैच करना शुरू करूँगी, हमारी जो मार्क दिया हुआ है उसी मार्क के ऊपर ऊपर। अब इसको टर्न करेंगे, सेंटर में थोड़ा सा टर्न आएगा, यहाँ सुई को अटका देना है, फिर वापस ये स्ट्रेट इस तरह से लेस को सेंटर में, ये हमारी जो कंगूर इस तरह से बाहर की ओर रहेंगे। जब आप लेस अटैच कर रहे हैं तो आपको कपड़ा पीछे से खींचना है ताकि यहाँ पर ज़्यादा सिलवटें ना आए, और ये सेंटर की हमारी लेस यहाँ पर अटैच हो गई है। एक्स्ट्रा लेस कट कर देनी है, फिर मिडिल की जो लेस है वहाँ पर हम सीक्वेंस की ये लेस को अटैच करेंगे। ये भी हम ऊपर के कपड़े से थोड़ा नीचे की ओर स्टिच करेंगे, जितने नेक लेंथ है उसमें थोड़ा सा ऊपर लेकर, इस तरह ये पास पास में सीधी अटैच करनी है, पीछे से सही से कपड़े को खींचना है। ये सेंटर की लेस से थोड़ा सा नीचे रहेगी, यहाँ पर आकर सुई को अटकाएंगे और टर्न करना, इस तरह से फोल्ड करना है। जैसे लेस कोई भी हम दुपट्टे पे अटैच करते हैं तो फोल्ड करते हैं, उसका तीसरा कॉर्नर निकालते हैं वैसे ही, ताकि ये फिनिशिंग रहे। जैसे यहाँ पर हमने इसको टर्न किया है वैसे ही इस दूसरी साइड में इसको टर्न करेंगे और इस तरह से ये पूरी लेस, एक साइड की ये लेस यहाँ पर अटैच होगी।
अभी इस लेस की दूसरी साइड में हम स्टिच लेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से लॉक हो जाए। उसके बाद में तीसरी जो लाइन है वहाँ पर हमें ही गोटा की लेस को स्टिच करना है। इस तरह से आप देखिए ये हमारी लेसेस इस तरह से रहेगी। नीचे बॉक्स साइड में जो है वो सबसे नीचे है, मिडिल की है वो थोड़ी सी ऊपर और सेंटर की सबसे ऊपर रहेगी और ये लेसेस हमारी यहाँ पर अटैच हो गई है। इस तरह से ये लेसेस यहाँ पर अटैच हो गई है। आप यहाँ पर और भी छोटी छोटी गोटा की लेस भी अटैच कर सकते हैं इसकी सेंटर में या इसकी साइड की। और अभी यहाँ पर देखिए ये इसकी टाइट खींचने से ये जैसे स्टिच करते हैं तो पीछे से कपड़ा सही से खींचना है जिससे यहाँ पर सिलवट ना रहे। अभी जो नेक लाइन है उसके लिए हमें लेना है, मैंने यहाँ पर लिया है पेपर कैनवास और नेक की विथ है 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, नेक लेंथ 5 इंच पर और इस तरह से बॉक्स बनाना है और नेक का शेप देना है। नेक के पास पास लगभग 0.75 इंच का गैप रख के इस तरह से मार्क करेंगे और इसे कट कर देना है। कट करने के बाद इसे फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे और साइड में जो कपड़ा है उसको फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लेनी है। ये हमारा नेक जिसे मैंने फैब्रिक पे पेस्ट किया है और साइड में फैब्रिक फोल्ड करके सिलाई ले ली है। अभी कुर्ती का राइट साइड और कुर्ती की राइट साइड में इसे प्लेस करेंगे, सेंटर से सेंटर बराबर मिलाना है और देखिए हमारी लेसेस ऊपर की ओर ही है, इतनी इससे नीचे भी नहीं है। और अभी ये कैनवास के पास पास हम सिलाई लेंगे। यहाँ पर ये कुर्ती का हमारा फैब्रिक सिल्क का है और अगर आप अपनी कुर्ती में हैवी लुक देना चाहते हैं तो इस तरह से शाइन की सीक्वेंस की ये लेसेस अटैच करेंगे तो कुर्ती में हैवी लुक आएगा। भी नेक के ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और कुछ कट्स देने हैं नेक के ऊपर और इस पट्टी को टर्न करना है। कैनवास की इस पट्टी को टर्न करने के बाद इसके ऊपर हम टॉप के स्टिच देंगे और तुरपाई करके इसकी फिनिशिंग देनी है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी लेस अटैच हुई है और बस लेस आप जो चूज करते हैं वो अलग और इसका कॉम्बिनेशन आपकी कुर्ती से मैच करता हुआ रहे तो बहुत बहुत सुंदर लुक देगा। इस तरह से हमने सेंटर में ये बटन्स अटैच किए हैं गोल्डन कलर के, ये एक साइड से फ्लैट होते हैं और यहाँ ऊपर से काफ़ी उभरे हुए हैं, वे बिल्कुल मैच कर रहे हैं। यहाँ आप यहाँ चाहें तो कोई डेजल भी अटैच कर सकते हैं इसके सेंटर के ऊपर और ये हमारी पूरी डिज़ाइन बन के रेडी है। आप यहाँ पर इसकी कुर्ती के दुपट्टे पर चेक्स की गोटा जो लेसेस होती है एकदम पतली वो अटैच कर सकते हैं जिससे ये पूरी कुर्ती का लुक बहुत हैवी हो जाएगा। तो प्लेन कुर्ती के ऊपर इस तरह से लेसेस को आप डिज़ाइन करेंगे आपकी कुर्ती बहुत अच्छा लुक देगी और बहुत हैवी लुक आएगा।
आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।